हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग प्रक्रिया 2019 के बारे में। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट आया है आपके लिए। इस वीडियो को आप पूरा देखकर समझ लीजिए कि कौन काउंसलिंग करा सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए कौन करा सकता है। चूँकि जो काउंसलिंग में मतलब जो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो भी करा सकते हैं, और जो उन्होंने नहीं दिया था वो भी करा सकते हैं। तो किस आधार पर उन्हें दिया जाएगा कॉलेज, इसको देखना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, मैं आपके लिए सेमेस्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सेमेस्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर के खास तौर स्टूडेंट्स के लिए मैं रिक्वेस्ट और आशा करता हूं। दोस्तों, अपना नाम और ब्रांच हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं आपके लिए अगस्त के फर्स्ट वीक से, दोस्तों हमने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि अगस्त के फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, जिसमें डिटेल में सभी फुलनेस के साथ आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, फुल एनालिसिस के साथ आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और दोस्तों आप कमेंट में अपना नाम और ब्रांच जरूर दें। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट ये आया है कि आप प्रवेश परीक्षा की बाध्यता खत्म कर दी गई। दोस्तों, जैसा कि देखिए, प्रवेश परीक्षा की बाध्यता खत्म, इंटर पास कोई भी छात्र ले सकेगा दाखिला। जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन की प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इसमें दोस्तों ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। आप इंटर पास है तो आप भी ले सकते हैं दाखिला। आप कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है दोस्तों, पॉलिटेक्निक की खाली 172,000 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से। ठीक है, जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है दोस्तों, ये काउंसलिंग प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या है दोस्तों, आपको समझना बेहद जरूरी है। आज दोस्तों है आपका बृहस्पतिवार, आज है 1 अगस्त 2019, तो आज से आपकी 172,000 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग होगी। दोस्तों, ये किस स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप पूरा डिटेल देखेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसा कि यहां पर आप दोस्तों के दिख रहे हैं, लखनऊ का आपका निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की खाली सीटें, लगभग 172,000 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। इन रिक्त सीटों के लिए परिषद ने अर्हताएं हटा दी है। ऐसे में इंटर पास कोई भी छात्र काउंसलिंग में शामिल होकर दाखिला ले सकता है, भले ही उसने प्रवेश परीक्षा दी है या नहीं दी है। प्रदेश से बाहर के विद्यार्थी भी दाखिले के आवेदन, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, अर्थात आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग ये जो होगी दोस्तों तीन चरणों में होगी। ठीक है, ये आपकी काउंसलिंग जो तीन चरणों होगी, इसको किसको कॉलेज मिलेगा, ये निजी और सहायता प्राप्त जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है दोस्तों उनमें यह किया जाएगा, ना कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में दिया जाएगा। ठीक है, विशेष सूचना आप इसको याद रखिए। आप कमेंट करते दोस्तों कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा सर कि एडेड की प्राइवेट, तो दोस्तों इससे जो आपको 172,000 सीटें हैं, ये आपके निजी और सहायता अर्थात प्राइवेट और एडेड कॉलेज में आपकी सीटें आपकी खाली हैं, तो उस पर आधार पर आपको 172,000 सीटें जो खाली है इस पर आपको काउंसलिंग दिया जाएगा। आप इंटर पास हैं या आपने दोस्तों काउंसलिंग में मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिया है या नहीं दिया, आप दोनों लोग करा सकते हैं। इनमें सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक की करीब 700 सीटें शामिल है। कितना दोस्तों, 700 सीटें शामिल है, किसमें की सहायता प्राप्त अर्थात एडेड कॉलेज की सीटें 700 हैं, वही फार्मेसी की करीब 45,000 सीटें भी खाली। वही दोस्तों फार्मेसी की बात करें तो 45,000 सीटें खाली है। इन सभी सीटों पर दाखिले के लिए बृहस्पतिवार से तीन चरणों की काउंसलिंग होगी। कितना दोस्तों, तीन चरणों की बृहस्पतिवार, अर्थात आज से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। अगर दोस्तों उस वीडियो को आपने नहीं देखा कि तीन चरणों में काउंसलिंग, किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका एडमिशन होगा, तीन चरणों की क्या क्या डेटेड है, तो उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को या वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जरूर देखेगा कि आपकी क्या तीन चरणों की डेट है। ठीक है, तो आगे दोस्तों दिया गया, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव जी हैं जो आपके एसके वैश्य सर जी ने बताया कि रिक्त सीटों की जो ब्यौरा है बृहस्पतिवार सवेरे परिषद की वेबसाइट www.gcup.nic.in पर अर्थात आज आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आज आपको अपलोड कर दिया जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए छात्रों को ₹250 जमा करना होगा। अगर दोस्तों आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं, आपका न्यू दोस्तों है, आप न्यू कैंडिडेट है, इसमें भाग लेने की बात कर रहे हैं, अगर आप न्यू कैंडिडेट भाग लेते हैं तो आपको ₹250 जमा करना होगा। प्रथम चरण दोस्तों है आपका, एक हमने आपको वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप क्लियर हो जाएगा वीडियो आपका। दोस्तों यहां पर 1 से 5 अगस्त प्रथम चरण का होगा, 5 से आपका परिणाम जारी होगा। ये वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपका क्या कैसा प्रोसेस है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि उन्होंने बताया कि इस काउंसलिंग में छात्र एक कॉलेज एक ब्रांच के लिए ही पंजीकरण करा सकते हैं, इनमें विकल्प नहीं देना होगा। अर्थात दोस्तों आप जो काउंसलिंग कराएंगे, चूंकि आपका ये डायरेक्ट एडमिशन होगा, तो ये आप एक ही कॉलेज
आपको जो कराना होगा दोस्तों, एक ही कॉलेज आपको चुनना होगा, उसमें एक ही ब्रांच चुनना होगा, ये डायरेक्ट एडमिशन है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको वीडियो अपलोड किया हूँ कि आपको क्या इसकी समय सारणी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। ये बहुत बड़ा अपडेट है कि इसकी बाध्यता खत्म कर दी गई है, एडेड और प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा मूल मतलब कुल मिलाकर हमको बनाने का इस उद्देश्य यही था दोस्तों कि आपको सीटें पता लग जाए कि किस कॉलेज में, इस पर कमेंट आए थे इसलिए वीडियो को बनाया, चूंकि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेकिन आपके सीटें आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं सीटों को बताने के लिए किया कि आपकी 172,000 सीटें अभी काउंसलिंग के लिए बाकी है एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज की, एडेड और प्राइवेट कॉलेज की, और प्राइवेट कॉलेज की दोस्तों 700 सीटें खाली है, कितना 700, और फार्मेसी में 45,000 सीटें आपकी खाली है। तो ये आपकी सीटें खाली है, और दोस्तों आपका यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 4500 सीटें फार्मेसी में भी खाली है, और 3 चरणों में दाखिले के लिए होगी काउंसलिंग। रिक्त सीटों का ब्यौरा आपका www.gcup.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और दोस्तों हमने आपसे रिक्वेस्ट और आशा करते हैं कि आप अगर यूपी पॉलिटेक्निक आप सेमेस्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट में आपके लिए कर रहा हूं, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अपना नाम और ब्रांच कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं आपको दोस्तों अगस्त के फर्स्ट वीक से अर्थात अगस्त 2019 के फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, जिनमें आपको डीपली से पढ़ाऊंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, दोस्तों हमारे कुछ ने कमेंट से किया कि सर हमें हमारा सिलेबस बता दीजिए, केमिकल हमने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सभी अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, और जिनको अब सिलेबस के बारे में अभी नहीं है उसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, और जिन्हें सिलेबस जानना है वो कमेंट करें, मैं आपको सिलेबस अपलोड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, धन्यवाद।